हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे एक और ब्रांड न्यू वाले गेम प्ले की सीरीज में। तो इस वाले गेम का नाम है डार्क रिडल। तो इस वाले गेम में हमें कुछ नहीं, बहुत ही कुछ फाइंड करना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे डार्क रिडल जो है जो जिसे हमें फाइंड करना है। तो चलो चलते हैं गेम में, तभी पता चलेगा कि इस वाले गेम की खासियत क्या है और इसको क्या हम जल्दी से फिनिश कर पाते या फिर नहीं। तो गाइस हम गेम में आ चुके हैं और अभी यहाँ पर हमें करना क्या है, स्नीक इन टू द नाइबर हाउस। तो नाइबर के हाउस में मैं घुसूंगा, वो भी कैसे, ये वाला डोर से। ये वाला डोर तो लोग है अभी, अबे करूँ तो करूँ क्या अभी, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो देसी जुगाड़ लगाना पड़ेगा इस वाले दरवाजों को खोलने के लिए। ये तो लॉक्ड है। और गाइस क्या मैं इन वाले डब्बों पे चढ़ के उधर की साइड जा सकता हूँ? चलो ट्राई मार के देखते हैं, अगर जा सके तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर अभी और थोड़ी बहुत और ढूंढा ढांडी करनी पड़ेगी ऊपर जाने के लिए हमें। तो चलो यहाँ से कूद के, अबे ये वाली आंटी आ रही है, थोड़ा बहुत यहाँ पर छुप के रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये वाली आंटी मुझे पकड़ लेगी तो फिर ये मुझे कूटने लायक भी नहीं छोड़ेगी, मतलब कि कूट देगी। अबे इसने देख लिया, भागो 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 भागो, आंटी पकड़ना ले, प्लीज मत पकड़ना, प्लीज 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 प्लीज। गैस जल्दी से हम यहाँ पर ऊपर निकल लेते, यहाँ पर कुछ जाते गैस इधर से नीचे निकलेंगे और ये वाली आंटी हमें पकड़ भी नहीं पाएगी। ये दरवाजा खोलते और अबे चाबी 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 मुझे ढूंढना था इस वाले दरवाजे का, ये तो क्योंकि लॉक तो खुलेगा ही नहीं, इधर भाग लेता हूँ तब तक, नहीं तो ये पीछे आकर पकड़ लेगी। तो गैस मैंने वाले आंटी को पीछे छोड़ दिया, अभी यहाँ से फट्टा से चाबी उठा लेते हैं और चाबी उठाकर सीधा दरवाजा खोल के बाहर निकल जाएंगे, नहीं तो फिर वो आंटी मुझे पीछे से धप्पा कर देगी और पकड़ के बाहर फेंक देगी। वो भी मुंह के बल गिरूंगा तो मेरे सामने के दांत टूट जाएंगे, वो दांत नहीं तुड़वाना चाहता तो मैं सीधे खुद ही बाहर निकल गया। गैस क्या आंटी तुम बहुत ही धीरे भागती हो, मुझे पकड़ भी नहीं पाई आंटी। चलो गैस अभी अंदर चलकर सीक्रेट की फाइंड कर के लाते हैं, मेरा मतलब कि कॉपर की फाइंड करके लाते हैं, क्योंकि उस कॉपर की के लॉक में कुछ खतरनाक सा सीक्रेट छुपा कर रखा हुआ है इस वाली आंटी ने, मुझे ऐसा लगता है। बट कॉपर के, हाँ गैस कॉपर की भी हमें मिल गई, हमारी कितनी किस्मत कितनी अच्छी है यार, सामने रखी थी आंटी ने, क्योंकि मैं पहले भाग रहा था तब मैंने यहाँ पर देखा था। गाइस यहाँ अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा था, मुझे अभी ये वाली विंडो तोड़कर ही अंदर जाना पड़ेगा, क्योंकि अंदर ही शायद कॉपर की लगेगी। चलो ट्राई तो मार कर देखते हैं कि हमें क्या पता, शायद हमारी विंडो थोड़ी है जो टूट कर भी पैसे हमें भरना पड़ेगा, क्योंकि ये तो अभी खड़ूस आंटी की विंडो है, तो हमें तोड़ने में बहुत ही मज़ा आया गाइस। और ये यहाँ पर क्या सिल्वर कार्ड इज नीडेड, अबे सिल्वर कार्ड अभी लेकर कहाँ से आऊँ मैं, अभी मुझे तो यहाँ पर लग रहा था कि ये सिल्वर कॉपर की लगेगी, बट ये तो सिल्वर कार्ड मांग रहा है। और यहाँ पर ये ड्रॉर है और ये वाले ड्रॉर में क्या है, शायद कुछ मिल जाए। हाँ गाइस यहीं पर लगेगी लगता है कि, हाँ गाइस ये तो खुल गया। और यहाँ पर भी हमें एक की मिली, पता नहीं कौन सी है, और यहाँ पर एक बैटरी भी मिली, तो चलो अच्छा है, हमारा कुछ तो फ़ायदा हुआ यहाँ पर आने का। गाइस मैं जब स्केरी आंटी से बचने के लिए दौड़ रहा था तो मैंने ये वाला घर देखा था, और यहाँ पर एक कटर भी है मेरे पास जो इस वाली तार को काट देगा। तो चलो फिर काटते इस विंडो वाली चेन को और देखते कि इस वाली विंडो में है क्या, आखिरकार होगा क्या इस वाली विंडो में इतना खतरनाक जिसे बांध कर रखा है। और ये क्या, यहाँ पर तो एक गन है और साथ में कुछ ये भी है, बट मेरी इन्वेंट्री फुल है तो मैं यहाँ पर रिस्क नहीं लेना चाहता, तो रहने देते गाइस बाद में आकर उठा लेंगे। और वो आंटी अपने पीछे आ रही है, इसको फेंक कर मारना पड़ेगा, मेरा निशाना एकदम से कच्चा निकला यार, अभी भाग लो यहाँ से पतली गली देख कर, नहीं तो पकड़ कान काट देगी वो अपने। तो गाइस इसको एरी आंटी को देखकर भागने का टाइम गया, अभी इसको थोड़ा बहुत परेशान करते इस वाले डबड़े को मार मार कर, इसको हम यहाँ से हिलने भी नहीं देंगे, देखना गाइस अभी इसको ये फेंक कर मारते, ये 5 सेकंड के लिए वहीं पर रुक गए, अभी थोड़ी देर बाद और डब्बा उठाकर इसके सिर पे और मारेंगे ये, क्योंकि बहुत ही होशियार बन रही थी अपने सामने और अपने को यहाँ पर लूटने भी नहीं दे रही थी, तो इसी का बदला लेंगे गाइस अभी यहाँ पर। और इसको यहीं पर हम फ्रीज करके पतली गली से यहाँ से निकल लेंगे और जाकर वो वाला डोर खोलेंगे जो मुझे खोलना है। तो गाइस ये वही वाला दरवाजा है जिस वाले दरवाजे को मैं खोलने के लिए इतना बेताब हो रहा था, बट ये वाला दरवाजा तो डायरेक्ट उस वाले रूम में जाता है जहाँ पर मैं पहले भी जा चुका हूँ, तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं हुआ, मेरा पोपट हो गया। गाइस मुझे यहाँ पर अभी गोल्डन की फाइंड करनी है और पता नहीं वो अभी कहाँ होगी, मुझे कैसे नहीं कैसे करके उसको किस्मत है या फिर क्या है, इतनी जल्दी गोल्डन की मिल गई, बहुत ही अच्छा हो गाइस, अभी तो मेरी किस्मत इतनी जल्दी पलट गई कि मैं क्या ही बताऊँ। अभी हम यहाँ पर गोल्डन डोर खोलेंगे, बट उसको ढूंढना भी तो पड़ेगा कि वो मिलेगा कहाँ। गाइस ये ग्रीन वाला एरो मुझे इधर फॉलो करके वाके इधर ले जा रहा है, चलो इसके पीछे पीछे चलते। अबे ओ लड्डू, अबे पिघला दिया अबे एक ही जगह पे तुझे ये, अबे वो आंटी आ रही है, भागो भागो भागो, नहीं तो मुझे और पकड़ लेगी। ये लड्डू फेंकने वाली मशीन कहाँ से आती, मैंने तो इसको देखा भी नहीं ध्यान से। गाइस मेरे पास एक आइडिया, मैं इस वाले कटर को फेंक कर डायरेक्ट एक वाली एक आधी विंडो फोड़ दूंगा और उस विंडो से डायरेक्ट उसके अंदर चले आऊंगा, तो ये तो बहुत ही मस्त आइडिया मिला मुझे, क्योंकि इस वाली विंडो के थ्रू से मैं अंदर भी घुस सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर रास्ता बना हुआ है, विंडो से हम जा सकते हैं अंदर, तो बहुत ही अच्छा हुआ मुझे ये वाला आइडिया सोच कर। तो मैंने उधर की साइड तो फोड़ दिया, अभी बारी इधर वाली साइड की, तो उससे पहले आंटी ना जाए कहीं फूटने की आवाज़ सुनकर, ये मैंने बोला था आंटी ना जाए और आंटी आई गई। गाइस बाय बाय, मैं बचता हूँ थोड़ी देर।
तो गाइस अभी टाइम है उस वाली विंडो के थ्रू से अंदर जाने का, क्योंकि वो वाला रास्ता मैंने जो बनाया था उस वाली ये वाली विंडो के थ्रू बनाया था। और यहाँ पर मेरा कटर भी फेंका था, ये रहा अपना कटर भी वापस मिल चुका है गाइस। ये वाला कटर बहुत ही काम की चीज़ है। और यहाँ पर गोल्डन लॉक हमें मिल चुका है, और गोल्डन लॉक के अंदर क्या है, यहाँ पर भी एक गन है। तो हमें मिल चुकी है एक सबसे खतरनाक वाली गन, क्योंकि इस वाली गन से हम उस वाली आंटी का टकला भी फोड़ सकते हैं, और साथ में वो सिल्वर वाला गेट भी खोल सकते हैं। तो चलते हैं अभी गेट खोलने। और गाइस ये मशीन जैसा क्या बना है यहाँ पर, कुछ ना कुछ तो होगा शायद ये मशीन एरोबे। ये क्या यहाँ से मिसाइल छोड़ने वाली थी या फिर अंतरिक्ष में जाने वाली थी? लगता है कैसी वाली आंटी कुछ भी कर सकती है। तो मुझे तो यहाँ से इसको भगाना है कैसे न कैसे करके। तो इस वाली आंटी को हम भगा के रहेंगे फिलहाल, इस वाले कमरे से हम भाग जाते हैं, नहीं तो फिर हमें वो यहाँ से भागने लायक भी नहीं छोड़ेगी। ये देखा मैंने बोला था ना अपने पीछे आ गए, बट हम भी इसके हाथ में इतनी आसानी से नहीं आने वाले। तो चलो मैं थोड़ी देर बाद मिलता हूँ आपको इसका पीछा छिड़ा के। खड़ूस आंटी नहीं आ रही गई। अभी इस वाली गन से हमको ये वाले लॉक को खोलना है, क्योंकि ये वाला लॉक खोलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसके बिना हम उस वाले डोर को नहीं खोल सकते जिससे मैं हमको जाना है। तो इस वाले डोर को तो खोलना बहुत ही जरूरी है। तो गाइस ये खुल भी तो नहीं रहा, लगता है कि मैं शायद गलत फेमी में जी रहा था कि ये वाला डोर नहीं। गाइस खुल गया। और वो आंटी आ रही है नहीं आ रही है गाइस? अबे आ रही है क्या? नहीं आ रही है गाइस। तो चलो अभी अंदर चलते हैं, और अंदर चलकर देखते हैं यहाँ पर फाइंड द सिगरेट कोट। तो सिगरेट कोट को फाइंड करते हैं। और यहाँ पर सिगरेट कोट रखा कहाँ होगा, मेरे लिए हाथ में थोड़ी रखा होगा, यहाँ पर मुझे फाइंड करना होगा। देखो गाइस कितने सामने पड़ा था सीक्रेट कोट, एकदम से सामने ही पड़ा था गाइस 2547। तो गाइस यहाँ से हम सीधे कोट लेकर निकलते हैं उस वाली तिजोरी के पास, जहाँ पर मैंने आपको वाली तिजोरी दिखाई नहीं, बट यहाँ पर एक तिजोरी है जिसके अंदर पता नहीं एक कोट लगा है, और पता नहीं इस वाले कोट से ये खुलेगी या फिर नहीं। तो देखते हैं कि 2547। और गाइस ये वाली तिजोरी खुल गई, तो इसका आगे का कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वाले एपिसोड में। तो गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में बताना कि वाली वीडियो कैसी लगे, और इसका सेकंड पार्ट चाहिए कि नहीं ये भी कमेंट में जरूर बता देना, क्योंकि मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाने की सोची है, बट आप बोलोगे तभी मैं बनाऊंगा। तो याद से कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय गाइस, हम मिलते हैं ऐसे ही किसी नए गेम प्ले के साथ।